नमस्कार, आप देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। आज हम चर्चा कर रहे हैं पाक के नापाक इरादों की। जी हां, आपने सही सुना। हाल ही में जम्मू कश्मीर पर पाक ने एयरबेस पर ड्रोन की मदद से हमला कर दिया है। उसी को लेकर आज हमारे एडिटर रवि सक्सेना जी के साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ विपिन शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाक आखिर भारत से चाहता क्या है, क्या कुछ इसकी पूरी कहानी है। चलिए चलते हैं आपको स्टूडियो में। मित्रों, पिछले वर्ष नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी और उसका सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर जो शौर्य भी है, पराक्रम भी है, उसके साथ साथ संयम भी है। कहां जहां संयम की आवश्यकता होती है हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। और जब मैं आया हूं लगभग एक साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। 1,00,000 करोड़ का डिफेंस का बजट है और एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ड्रोन आता है। ये ड्रोन इतना लंबा डिस्टेंस जो कवर किया है, या तो अमेरिकन ड्रोन है या चाइनीज ड्रोन है। अब ये मोदी जी फिर वही झूला झूलाने की बात करेंगे या फिर इस तरह कमजोरी दिखाएंगे। ये तो पुलवामा की तरह हमला हुआ है जम्मू के एयरपोर्ट के ऊपर। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार के पर आती है, मोदी सरकार पर आती है। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए? क्या मजाक हो रहा है वहाँ पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं देगी? जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफ़र करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज़ हैं, तो मालूम करना चाहिए कैसे आया वहाँ पर। और आपकी नाकामी है ये। सर, पिछले दिनों जो मीटिंग हुई प्रधानमंत्री, अरे भाई ये जिन लोगों को बुलाए थे, बाबा गाली दी उनको दी गई थी बेचारों की, उनको गाली दी गई कि वो भारत को कमज़ोर कर रहे हैं, फॉरेन पावर्स के साथ हैं। उनको तो आप बोलकर बेइज्जती किए, फिर उनको बुलाकर आप बेइज्जती कर रहे हैं अपने सामने। मोदी जी खुद खड़े रहकर फ़ोटो ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। ये आप उनको तो आपने कहा कि वो एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ मिले हुए हैं, फिर आपने उनको बुला लिया, फिर डिलिमिटेशन की बात हो रही है। कौन सा डिलिमिटेशन करेंगे आप, कैसा करेंगे? पॉपुलेशन की बुनियाद पे करेंगे या ज्योग्राफिकल टेरिटरी के ऊपर बुनियाद पे करेंगे? तो आपकी कश्मीर की पॉलिसी तो आप तो नाकाम साबित हुए उसमें, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ हासिल नहीं कर सके आप। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू में एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ। आखिरकार पाकिस्तान भारत से चाहता क्या है, किस तरह की उसकी मानसिकता घिनौनी मानसिकता है, जबकि भारत कभी भी पाकिस्तान को लेकर ना कोई टिप्पणी करता है ना पाकिस्तान के किसी भी चीज़ पर दखलंदाजी करता है। लेकिन समय समय पर पाकिस्तान इस तरह की गंदी हरकतें करने के बाज नहीं आता। अभी 24 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एंड कश्मीर के 8 पार्टियों के 14 नेताओं से चर्चा की थी। 370 हटने के बाद इस तरह की पहली चर्चा थी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि देश में शांति रहे, देश के साथ जम्मू एंड कश्मीर में शांति रहे और वहाँ चुनाव की प्रक्रिया चालू हो, लेकिन पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई। और आज उसी को लेकर के उसने माना जा रहा है कि जो ड्रोन से हमले हुए हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है। मेरे साथ बहुत सीनियर पत्रकार श्री विपिन शर्मा हैं, जिनसे जुड़ेंगे कि क्या ऐसा कुछ पाकिस्तान
चाहता है भारत को हमेशा दखलंदाजी करता है हर मामले में। विपिन जी, जो ड्रोन का हमला हुआ है, इसको हम किस नज़रिए से देखें? देखिए, इसमें कोई छुपी चीज़ नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आज की तारीख में ये जानती है कि किस तरह से पाकिस्तान समय समय पर हमले करता रहा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी आप ये देखिए ना कि जब से बंटवारा हुआ 1947 से लेकर आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, कितने समझौते हुए, कितनी बार वार्ता हुई, कितनी बार हमने निमंत्रण दिया, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी माँ के लिए शॉल लेकर भी गए। शांति का जितना भरसक प्रयास कर सकता था भारत, उतने किए, लेकिन जवाब क्या मिला? सिर्फ बारूद। देखिए, दोस्ती दोनों तरफ से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। दोनों तरफ जब मिलाएंगे तभी ताली बजेगी, और दो कदम अगर भारत चल रहा है तो पाकिस्तान को भी चार कदम कम से कम चलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी हैसियत देखनी होगी। जी, मान लिया कि हमने पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, पाकिस्तान तो बाज आता ही नहीं, ये भी आप भी देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। क्या जम्मू, ये जो ड्रोन वाला हमला हुआ है, क्या जम्मू एंड कश्मीर से जो प्रधानमंत्री जी ने चर्चा बुलाई थी जिसमें 14 नेता पहुंचे थे 8 पार्टियों को, क्या ये उससे जोड़कर नहीं देख सकता? 100% उससे कनेक्शन है इसका। एक्चुअली था क्या कि जब 370 वहाँ से हटाई गई, पाकिस्तान बौखला गया, वो चाह रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ वहाँ पर किया जाए, लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि उस समय तक गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब जैसे जैसे समय बीता तो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी ने ये सोचा कि हाँ अब शायद जख्म भर चुके होंगे, वहाँ जाके शांति की वार्ता की जा सकती है, लोगों को जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के लिए देखिए, बड़प्पन है भारत का कि भारत हमेशा जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। भारत ने बुद्ध दिए और बदले में भारत को क्या मिला? युद्ध मिले। तो ऐसे भारत की जन्मभूमि, भारत की पृष्ठभूमि, भारत का इतिहास हमेशा ये रहा है जोड़ने की बात करता है। इसी के चलते माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए, उन्होंने जो विपक्ष के नेता थे उनसे भी मुलाकात की, बात की, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में जम्मू कश्मीर के विकास का खाका खींचने का प्रयास किया। इससे वो और बौखला गया, उसने कहा कि अब तो ये बिल्कुल हाथ से हमारे निकलता जा रहा है, लिहाजा उसने ड्रोन से अटैक कर दिया। ये कहीं ना कहीं उवैसी की भूमिका, उवैसी तो हर मामले में कूदी पड़ते हैं। अब उवैसी ने कह दिया कि साहब पुलवामा में अटैक हुआ था, भारत को उस तरह से अटैक करना चाहिए, भारत सरकार जिम्मेदार है, इस तरह के बयानबाजी से उवैसी क्या चाहते हैं? देखिए, बयानबाजी देना पॉलिटिकल लोगों का काम है, वो बयानबाजी देते रहते हैं और उन्हें देना भी चाहिए क्योंकि वही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन जिस तरह से एक घर को चलाना एक मुखिया के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, 130 करोड़ की जनता के इस देश को चलाना उससे भी ज़्यादा टिपिकल है। ओबेसी जी हैदराबाद तक सीमित हैं, हैदराबाद उनसे नहीं संभल पा रहा है और वो भारत संभालने की बात करते हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। जी, मैं आपकी बात से बड़ा आपने चीज़ नहीं दी है कि ओबेसी को हैदराबाद देखना चाहिए, तो वो तो भारत के नेता है ना, तो उनको भारत की बात करने का अधिकार तो होना चाहिए ना? नहीं, अधिकार तो देखिए, भारत की अगर नागरिकता, मुझे भारत की नागरिकता मिली है तभी मैं भारत की तरफ से बात करने का अधिकार रखता हूँ, अधिकार सबको है। लेकिन जहाँ पर सिक्योरिटी की बात आए तो वहाँ नेशन पहले है, बाकी चीज़ें बाद में हैं, जाति धर्म मजहब ये सब चीज़ें सब शून्य हो जाती हैं, पहले हम भारतीय हैं। अच्छा, ये इस बात को आप नहीं मानेंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ एयरबेस पर सब कुछ हो गया, ड्रोन आए, ड्रोन ने अटैक किया, आईडी से अटैक किया गया, उसके बाद सब कुछ, क्या उसकी बात को, हम ओवैसी की बात को थोड़ी बहुत तो तवज्जो देना चाहिए, वह कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर तो होना चाहिए ना इसमें? नहीं, सरकार को गंभीर होना चाहिए। देखिए, अगर भीड़ दुश्मन की हो तो हम सामने से फाइट कर सकते हैं, लेकिन हम अपने भीड़ के बीच जो हमारे अपने हैं, जो गद्दार हैं, उनसे कैसे निपटें, ये दिक्कत है। आप वाजपेयी जी के दौर में अगर जाइए 99 में, जब जम्मू कश्मीर के बाद में जो श्रीनगर पे अटैक हुआ था, तो उस समय कंधार कांड जिस समय हुआ था, आप उसको ले लीजिए, एयरफोर्स की कितनी सिक्योरिटी रहती है एयरपोर्ट पर, आप जा नहीं सकते, सुई नहीं ले जा सकते, और वहाँ पर कंधार जब कांड हुआ तो बाकायदा पिस्टल लेके आतंकी घुस गए कैसे? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई हमारे गद्दार उस भीड़ में शामिल हैं। तो इसी तरह से ये अटैक हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, जब तक हमारे लोग गद्दारी करना बंद नहीं करेंगे पाकिस्तान को ऐसे मौके मिलते रहेंगे। मतलब कुल मिला के अगर हम आपकी बात से सहमत हो जाएं तो इसमें भी कहीं ना कहीं गद्दारी है। 100%। अब ये भारत सरकार को देखना होगा कि वो गद्दार कौन है, उन गद्दारों से कैसे निपटा जाए। अच्छा, कल राजनाथ सिंह जी का बयान आया है कि हमारी सेना बिल्कुल मुस्तैद है, सद्भावना वाली बात करती है, हम किसी बात से पीछे नहीं है। तो राजनाथ सिंह जी अभी भी मुझे लग रहा है बिल्कुल, मतलब स्वभाव उनका जो है मीठापन है, कहीं उन पर टेंशन नहीं दिख रही है इसके बाद भी, तो क्या कहेंगे हमारे रक्षा मंत्री के बारे में? देखिए,
रक्षा मंत्री जो हैं वो सेना के अभिभावक हैं, और किसी भी घर का अगर अभिभावक टेंशन में आ जाए तो बच्चे पहले टेंशन में आ जाते हैं। तो राजनाथ सिंह को टेंशन में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे जो हमारी सेना है वो इतनी अलर्ट मोड में है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि सेना एक्टिव है, तभी आज हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बात से सहमत हूँ विपिन जी। ये जो अभी चल रहा है सब कुछ, जम्मू एंड कश्मीर का मैटर चल रहा है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत में खलल डालता रहता है, समय समय पर डालता है, तो भारत को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए? जैसे पुलवामा हुआ, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तो क्या अब जैसा दिया तो क्या जवाब देने का समय है भारत को? हाँ, 100% जवाब देना चाहिए। जब तक जैसे को तैसे का आप जवाब नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा और दाल अपनी जो जिस तरह से उगलना चाहता है वो गलता जाएगा। इस मामले में कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, गिरफ्तारी भी की हैं, और जो DGP जम्मू एंड कश्मीर हैं दिलबाग सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि हमने 5-6 संदिग्धों को पकड़ा है, उनसे प्रक्रिया चल रही है पूछताछ की, जल्दी खुलासा होगा इसमें क्या है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो हुई है ना भाई? देखिए, चूक कहीं ना कहीं हो जाती है, जानकर चूक कोई नहीं करता, और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है तो वहां तो वैसे भी ज़्यादा अलर्टनेस रहती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जिनको वहां तैनात किया गया है उन्हीं में अगर कोई गद्दार बन जाए तो फिर कैसे सुरक्षा हो पाएगी? बस वजह सिर्फ इतनी सी है। मैं एक बार और भारतीय सेना के जज्बात को सलाम करता हूँ कि ड्रोन हमला होने के बाद भी उन्होंने, उसके 24 घंटे के बाद भी 2 ड्रोनों ने फिर भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय जवानों ने 25 राउंड फायरिंग करके उनको खदेड़ दिया। बहरहाल भारत की सेना चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है और सीमा की चौकसी कर रही है। हमारे जवानों पर संदेह करना ये बिल्कुल नाजायज बात होगी, लेकिन इस समय सभी राजनीतिक दलों को एक साथ आना होगा, और विपिन जी ने तो साफ कह दिया कि जब तक गद्दार देश में रहेंगे देश हमारा सुरक्षित नहीं होगा।